इनके साथ मैं जांच तिवारी क्या। नमस्कार, आप देख रहे डीएस पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद है, जहां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आज प्रदर्शन करते हुए पांचवा दिन हो चुका है। जयंत चौधरी के बाद अब नरेश टिकैत भी आज समर्थन देने पहुंचे हैं। तो यहां से एक बड़ी बात कह दी है कि अगर हमारी बहन बेटियों पर आ जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। खबर यहाँ से निकल कर आ रही है, तो किसान नेताओं ने यह ऐलान कर दिया, ये चुनौती दे दी कि अगर पहलवानों को लेकर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर ब्रिजभूषण पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर एक बड़ा रूप ले सकता है धरना, यानी कि आंदोलन में बदल सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सर, उनसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं, समझेंगे पूरे कि पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई। सर, सबसे पहले तो आपका नाम, आपका परिचय ले। मेरा नाम सुमित तोवर है, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ, मैं नोएडा से आया हूँ। सर, आप दो तीन दिन से लगातार यहाँ बने हुए हैं, पांच दिन बीत चुके हैं, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखो, सरकार जब खिलाड़ी मेडल लाता है हमारे देश का, वो सितारा होता है, वो हमारे देश का नाम, हमारी मिट्टी का नाम विदेश में जाकर डंका बजाता है, वहाँ तिरंगा फहराता है और हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान होता है, पूरे देश का सम्मान होता है। और वो खिलाड़ी जब मेडल लाता है और तब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देखो हमारी सरकार में कितने मेडल आए, खिलाड़ी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज उसी सरकार में उस प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं, आज हमारे बहन बेटी, हमारे खिलाड़ियों के साथ में, हमारे पहलवानों के साथ में क्या अत्याचार हो रहा, बताओ हमें। ये खिलाड़ी जो लगातार धरने में बैठे हैं, तीन महीने पहले भगा दिया गया इन्हें, आज फिर पांच दिन हो गए, सरकार क्यों सुनना नहीं चाहती इन्हें? कहां गए देश के प्रधानमंत्री जी, कहां गए गृह मंत्री जी? मतलब एक सांसद, एक मंत्री इतना अत्याचार करेगा वही रहेगा देश में? ये भूल रहे हैं, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेड़ से नहीं बनता, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। और जब सरकार आएगी 2024 में, जो खिलाड़ी देश का सितारा है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे देश का डंका विदेशों में बजाते हैं, आज उन्हीं को धरने में बैठना पड़ रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, आज देश में यह दिन भी देखना पड़ रहे हैं। ये सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाए बैठी है, ये याद कर ले, कहता जल्द से जल्द उस सांसद पे, उस मंत्री पे कार्रवाई करे, और नहीं जो है अपना हसर जो इनका होएगा ना, उसके लिए तैयार रहे। सत्यपाल मलिक यहाँ पर होकर गए, समर्थन देकर गए, क्या लग रहा है कि कितना दबाव सरकार पर बन पाएगा? सरकार का इलाज हो जाएगा, देश का खिलाड़ी देश का सम्मान है, और देश के सम्मान के साथ में, आत्मा के साथ में अगर खिलवाड़ करेंगे तो दिल्ली की गद्दी बनी रहेंगे, दावे के साथ कह रहे हैं। नरेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अगर बहन बेटियों पर आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्या चेतावनी यहाँ से देना? चेतावनी यह है, ये दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। जो मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं के मंत्री क्या कर रहे हैं देश में? जो देश का सम्मान है, हमारी बहन बेटी, हमारी इज्जत है, आज एक मंत्री तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया, आज तुम जो मर्जी करोगे देश में, ये तानाशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी सिस्टम है देश का। और इन आने वाले समय में वोट की चोट से बताया जाएगा इस देश के साथ में खिलवाड़ कैसे किया जाता है। वोट की चोट तो अभी दूर है, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर कूच कर देंगे, आप दिल्ली को घेरने वाले हैं, खाप पंचायत भी कह रही है। अपने मान सम्मान के लिए जो आदेश आएगा आदरणीय नरेश टिकैत जी का, वो हम अपनी जान दे के भी पूरा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर जाम रखा, और जो आदेश आया अगर दिल्ली भी जाम करनी पड़ी, चारों तरफ से दिल्ली जाम कर देंगे, हम संसद भी नहीं चलने देंगे। अब ये धरना आंदोलन में बदल सकता है? आंदोलन तो ये चालू हो गए, ये चिंगारी लग चुकी है। क्या लगता है कि सर अभी तक ब्रिजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ब्रिजभूषण पे कार्रवाई खास आदमी इसलिए नहीं कर रहे ना, और एक ब्रिजभूषण नहीं है, इस बीजेपी सरकार में पता नहीं किसने ब्रिजभूषण बैठे हैं जो यहाँ अत्याचार और शोषण कर रहे हैं इस देश की जनता का। यही सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अब आप भी देख लो ना, ये बेटी तो बैठी है देश की, ये मान सम्मान तो बैठा है देश का, ये खिलाड़ी तो बैठा है देश का, जो देश का सितारा है, आज उनके साथ में ये हाल हो रहा है तो देश की आम जनता कहाँ जाएगी, देश की आम बेटियाँ कहाँ जाएंगी? जब यही लोग सुरक्षित नहीं है तो देश की सुरक्षा की बात और आम बेटियों की बात कहाँ जाएगी? ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं हम, प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं हम, जो बड़े बड़े वादे कर रहा है, जो बड़े बड़े डींगे मार रहे हैं, आज क्या हो रहा है देश में बताओ हमें? 5 दिन बीत चुके हैं, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया अभी तक, इनका इलाज होएगा, इलाज जो पहलवान है ये हमारा सम्मान है, हमारे दिल में बसते हैं। गाँव में जाकर देखो ना क्या हाल चल रहा है आज की डेट में, सब लोग एकजुट होकर बैठे और पूरे जोश में बैठे, जो भी आह्वान इन्होंने कर दिया, पूरा देश की जनता इन पहलवानों के साथ में खड़ी है। सर, आपके पास क्या कहेंगे सर? 5 दिन में बीत गए, बेटियां गुहार लगा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार तो खामोश।
मिशन? सरकार ब्रजभूषण शरण को बचाना चाह रही है, क्योंकि सरकार सोच रही है कि हमारे सांसद हैं, अपने सांसद को बचा लें आने वाले चुनाव में, क्योंकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बाहुबली है। तो उस वो सरकार का आइडिया के चार पांच जो लोकसभा सीट है पूर्व की, उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, जिसे गिरफ्तार किया। तो इस कारण से सीधा सीधा राजनीति कर रही है सरकार सीधा सीधा राजनीति कर करके बचा रही। नहीं तो आप बताओ, इस देश के अंदर कानून है, अगर कोई भी महिला ये बोल दे कि मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, तो तुरंत FIR दर्ज होती है। ये तो कानून है, संविधान से भी ऊपर होकर के अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री होते तो इन बेटियों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। तो सीधा सीधा बात तो मान सम्मान की बात करती है महिलाओं की, बात ही तो कर रही, काम थोड़ी कर रही है। अगर काम करती तो आज ब्रजभूषण शरण जेल में होता, हम समान शिक्षा कर रहे हैं। लेकिन देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और जो ये आंदोलन अब ये छोटा नहीं है, ये पूरे देश में फैल जाएगा, क्योंकि भारत की सभी खापों का समर्थन आ गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता कार्रवाई नहीं होती। हाँ, बड़ा करने वाले यही तो हैं कि भाई जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, सब पे धरने बैठेंगे, यही बड़ा करेंगे। यही है सरकार, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये सोच रहे क्योंकि इन्होंने पाला था इसको 12 साल तक, ऐसे दुराचारी आदमी को साथ रखा, इनकी पोल खुल रही है। अब इन्हें लगता है कि जो जनता देश की, वो ये कहेगी जब इतना बड़ा दुराचारी था तो तुमने इसे 12 साल तक कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष क्यों बनाया, क्यों अपनी पार्टी में लिया? पहले तो समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी से इसमें आया भारतीय जनता पार्टी। सत्यपाल मलिक के बयान पर क्या कहेंगे? कह रहे कि भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है सरकार को। सत्यपाल मलिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार तो जब खुलेगा, जब सरकार चली जाएगी। अभी तो इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की ED है, इन्हीं की CBI है। तो जब इनकी सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो इनकी फाइल खोल लेगी, इनके भ्रष्टाचार तो कांग्रेस से भी ज्यादा निकलेगा। मतलब बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, आप जांच करा लो। जितने भी ये प्रधानमंत्री आवास से घर बने योजना से, उनकी जांच करा लो, इन जेलों में भरने की जगह नहीं रहेगी। क्या लग रहा है कि जो बड़े बड़े लोगों का समर्थन यहाँ पहलवानों को मिल रहा है, उससे कुछ उम्मीद बनेगी, क्या सरकार गिरेगी? हाँ, तो देखो, बड़ा आदमी को आता है तो उसका अपना बहुत बड़ा जनाधार होता है, उसके साथ में जन समर्थन होता है, तो सरकार दबाव में आएगी। और देखो, आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही थी ना, अगर सरकार दो जांच करवा ले, एक तो जो गांव में विकास के लिए पैसा गया था उसकी, और दूसरी प्रधानमंत्री आवास की, तो वो बहुत हो जाए। सर, बात कर रहे हैं और पूछते सर, क्या नाम है आपका? उपेंद्र मलिक, जिला शामली। जी, नरेश टिकैत जी क्या कर गए हैं कि बहन बेटियों पर आज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या कहेंगे? अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई हाथ करेगा, हमला करेगा, तो किसान यूनियन उसके साथ 24 घंटे खड़ा। कोई बड़ी तैयारियां चल रही है? बड़ी तैयारी है, और हमारे जो हिसाब का आदेश हो गया, जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बिल्कुल सही है। जंतर मंतर पर है लगातार।